यहाँ पर व्हाट आर द मेजर थीम्स इन नॉबेल संस्कारा, संस्कारा नॉबेल का मेजर थीम्स क्या है? तो मेजर थीम्स में दो मेजर थीम्स हैं, एक तो ऐसी एसेटिसिज्म है और दूसरा इरोटिसिज्म है। देखिए ये क्या होता है, एसेटिसिज्म एंड इरोटिसिज्म आर रिप्रेजेंटेड एलोगरिकली एंड इज अपोजिशन टू ईच अदर। देखिए एसेटिसिज्म और एटिसिज्म और इरोटिसिज्म ये जो है एलोगरिकली रिप्रेजेंट किया गया है और एक दूसरे के ये अपोजिट है ना, कंट्रास्ट है। द नॉवेल प्रेजेंट्स इन एडेक्वेसी ऑफ एस्टिसिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर टू अ न्यू अवेयरनेस ऑफ द नीड टू गो बियॉन्ड द डुअलिटी ऑफ एसिटिसिज्म एंड इरोटिसिज्म। ये सेंट्रल कैरेक्टर के लिए आया है। द अपोजिशन बिटवीन टू आइडियल्स इज स्टेटेड इन एक्सट्रीम टर्म्स। परनेशाचार्य इज अ हाउस होल्डर इन नेम ओनली बिकॉज एट 16 ही मैरिड एंड इनवैलिड वाइफ। देखो 16 वर्ष की ही एज में परनेशाचार्य ने जो है इनवैलिड वाइफ और इनकैपेबल वाइफ जो कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है उसके साथ, जिसका नाम था भागीरथी, उससे शादी की है ना। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड और दूसरे सेक्शन में वाज नारानप्पा नॉन ब्राह्मिनकल ब्राह्मिन नारानप्पा, जो कि नॉन ब्राह्मिनकल ब्राह्मिन है, ब्राह्मिन तो है लेकिन किसी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, हु हैज रिजेक्टेड हिज ऑन वाइफ। इसने अपने खुद की वाइफ को रिजेक्ट कर दिया। तो एक तरह से कंट्रास्ट दिखाया गया है कि एक है जो कि इनवैलिड वाइफ से शादी किए हैं और दूसरे हैं जो कि अपनी ही वाइफ को रिजेक्ट कर दिए हैं। हु रिजेक्टेड टू फॉलो एनी ब्राह्मिन प्रिंसिपल्स, और इसके साथ में नारायणप्पा ने सारे ब्राह्मिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से भी मना कर दिया है ना। द टर्निंग पॉइंट कम्स व्हेन परनेशाचार्य हैज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सेक्सुअल प्लेजर विद अ लो कास्ट वुमेन। और टर्निंग पॉइंट वहाँ पर आता है जब परनेशाचार्य जो है लो कास्ट वुमेन चंद्रे के साथ सेक्सुअल प्लेजर का एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज अ की एपिसोड इन द नॉवेल, और ये जो है नॉवेल का की एपिसोड है, सेंट्रल थीम है या सेंट्रल एपिसोड है, की एपिसोड है। आफ्टर दिस ही बिकम्स अवेयर ऑफ हिज फिजिकल नीड्स ऑफ प्लेजर एंड ऑफ हंगर एंड दोज ऑफ अदर सेंसेस। और इसके बाद में इस इंसिडेंट के बाद में परनेशाचार्य को ऐसा लगता है कि परनेशाचार्य जो है फिजिकल और फिजिकल नीड्स ऑफ प्लेजर के प्रति अवेयर हो जाते हैं और सारी चीज़ें इनको जरूरत में अब लगती हैं कि हाँ सारी चीज़ें जरूरत हैं। परनेशाचार इमर्जेज एज अ फुली ऑटोनमस ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस। और परनेशाचार अपने एक्शंस के लिए अब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए भी ये पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। ही वांट्स टू ट्रांसेंड द डुअलिटी ऑफ एसेटिसिज्म एंड इरोटिसिज्म। तो ये जो है ये एसेटिसिज्म और इरोटिसिज्म ये परनेशाचार्य के लिए एक डुअल नेचर के रूप में यूज हुआ है, सो डैट ही इज नॉट फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग टू डिसाइड। नेक्स्ट यहाँ पर है, डिस्कस द रोल ऑफ चंद्री इन द नॉवेल संस्कारा, संस्कारा नॉवेल में चंद्री का रोल डिस्कस कीजिए। तो देखिए यहाँ पर द नॉवेल इन द, अरे क्या कह रहा हूँ भाई, द वीमेन इन द नॉवेल, नॉवेल में जो भी वीमेन हैव बीन सेटिस्फाइड फाइनली, वो फाइनली जो है सेटिस्फाइड हैं बाय द ऑथर, ऑथर के द्वारा, हु डिस्प्लेज हिज पोटेंशियल इन एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ कास्ट एंड क्लास सिस्टम इन द डिफाइनिंग द आइडेंटिटी एंड मल्टीफोल्ड प्रेशर ऑन देम। मतलब नॉवेल में वीमेन के बारे में जो कुछ भी ऑथर ने लिखा, इन चीज़ों पर सारी की सारी वीमेन एक्सेप्ट करती हैं, सेटिस्फाई कि मतलब उन्होंने लिखा ठीक ही लिखा एक तरह से है ना। चंद्री इज अ लो कास्ट वुमेन, चंद्री जो कि एक लो कास्ट वुमेन है, हु इज लेसर देन वाइफ ऑफ द डेड मैन, जो कि उस डेड मैन नारानप्पा के लिए किसी वाइफ से कम नहीं थी, शादी नहीं हुई थी बाकी किसी वाइफ से कम नहीं थी। सी सिंबलाइजेज ऑल वुमेन ऑफ हर कास्ट एंड क्लास, और इस तरह से जो चंद्री जो लोअर कास्ट की वुमेन है वो अपने कास्ट और क्लास की सारी वुमेन को सिंबलाइज करती है। सी इज द मोस्ट डिस्कस्ड कैरेक्टर आफ्टर नारानप्पा इन द नॉवेल, और आफ्टर द डेथ ऑफ नारानप्पा इन द नॉवेल। और ये जो चंद्री है नॉवेल में नारानप्पा की डेथ के बाद में सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड कैरेक्टर है एंड आल्सो मोर क्रिटिकल, और इसके साथ में ये और ज़्यादा भी क्रिटिकल है।
एवरीवन इन द अग्रहारा लुक्स डाउन ऑन हर। देखिए अग्रहारा में हर कोई जो है चंद्री की तरफ देखता था, बट बिहाइंड द वेल एवरीवन इज मैड फॉर हर ब्यूटी। और एक तरह से मतलब इनडायरेक्टली कोई कह नहीं पाता था, बाकी हर कोई जो है उसकी ब्यूटी के प्रति जो है पागल था एंड वांट्स टू पजेस हर, और उसको पाना चाहता था। बिकॉज सी बिलोंग्स टू द लोअर कास्ट, क्योंकि जैसा कि वो जो है लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, हर अंडरस्टैंडिंग इज परमानेंटली, ना तो उसकी समझ जो है परमानेंटली है अंडर क्वेश्चन एज इफ सेज एन इमैच्योर, मतलब ऐसा माना जाता था कि वो एक इमैच्योर है ना। और देखिए दिस इज जस्ट अ रॉन्ग बिलीफ, ये तो एक उल्टा मतलब एक गलत बिलीफ था। बिकॉज इन द होल कोर्स ऑफ द नॉवेल, क्योंकि नॉवेल में पूरे के पूरे नॉवेल में सी इज द वन, वही एक करेक्टर है हु प्रेजेंट्स हरसेल्फ विद मोर मैच्योर, मतलब जिसको देखकर ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा मैच्योर करेक्टर है तो यही चंद्री ही है ना। डेट एनी वन इन होल अग्रहारा इवन देन द अथॉरिटी आचार्य, और जो कि एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है, और लास्ट में नारा नप्पा का जो है क्या करती है, लास्ट क्रेमेशन भी करती है। चंद्री इन मेनी वेज सिंबलाइजेज डोमिनेशन, फ्री एक्सरसाइज ऑफ डिजायर एंड अ काइंड ऑफ सेंस विच इज नॉट ओनली कॉमन बट मोर प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। सी रिप्रेजेंट्स अ वुमेन हु इज वेरी मच कंसियस ऑफ हर आइडेंटिटी। देखिए ये चंद्री एक ऐसे वुमेन को रिप्रेजेंट करती है जो कि अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सियस है, एंड फॉर डैट सी हैज द कैपेसिटी टू एक्सर्ट इट इन अ वे डैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ब्राह्मिन वाइब्स।